और चलिए ओंकारेश्वर से एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां नर्मदा में चट्टान पर फंसे श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया जा रहा है। दरअसल नहाने के दौरान 20 चट्टान पर करीब 15 श्रद्धालु पहुंच गए थे और अचानक बांध से पानी छोड़े जाने से पानी से घिर गए। मदद की गुहार लगाने पर नागरिकों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं बचाव दल और पुलिस ने चट्टान पर फंसे लोगों को रेस्क्यू करके निकाला है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अचानक बांध से पानी छोड़े जाने के बाद श्रद्धालु बांध के पानी के आसपास गिर गए। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, उसके बाद बचाव दल ने लोगों का रेस्क्यू किया है। दरअसल ओंकारेश्वर में नर्मदा की चट्टान पर करीब 15 श्रद्धालु पहुंच गए थे, अचानक बांध से पानी छूटा, इसके बाद वो पानी से गिर गए। उसके बाद मदद की गुहार लगाने पर नागरिकों ने पुलिस को सूचना दी और उनका बचाव दल के द्वारा रेस्क्यू किया गया। और हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, 15 श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया गया है, क्या है ये पूरा मामला? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में अभी यात्रियों का आगमन लगातार जारी है और यहाँ पर क्या है कि वाहन पानी रोक देता है और जो कि यहाँ पे जल स्तर कम होने के कारण श्रद्धालुगण स्नान के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और ऐसा ही वाक्या आज भी घटित हुआ कि बाहर से आए कम से कम 15 से 20 श्रद्धालु स्नान के लिए जब घाटों पे पहुंचे तो पानी की मात्रा कम थी और उन्होंने देखा कि आगे चट्टानों पर स्नान कर सकते, तो वो बिना किसी से पूछे हुए आगे चले गए और चट्टान पे स्नान करने लगे। और बांध प्रबंधक हमेशा अलर्ट जारी करता है, इस बार भी किया, उन्होंने अपना दायित्व निभाया, अलर्ट किया, लेकिन इन्होंने अनसुना किया और इस कारण वो चट्टान से नहाने लगे और बांध का जब पानी अचानक छूट गया तो ये चारों तरफ पानी से घिर गए और बचाव बचाव चिल्लाने लगे, क्योंकि पानी का बहुत तेज था, बचाना भी मुश्किल था। तो घाट पे तैनात नाविक और गांव के स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू को जानकारी दी। पुलिस प्रशासन मौके पे पहुंचा और सभी ने अपने दल बल के साथ में इन 15 यात्रियों की जान बचाई और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। चलिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ओंकारेश्वर नर्मदा में चट्टान पर फंसे श्रद्धालुओं का रेस्क्यू कर लिया गया है। दरअसल नहाने के दौरान 20 चट्टान पर करीब 15 श्रद्धालु पहुंच गए थे।